गाजियाबाद से लापता लॉ स्टूडेंट के मामले की गुत्थी सुलझी। मकान मालिक के घर से बरामद हुआ शव। हत्या के बाद घर में गहरा गड्ढा कर गाड़ा शव। 4 दिन बाद हुआ हत्याकांड का खुलासा। जी हाँ, गाजियाबाद में LLB फोर्थ ईयर के छात्र पंकज की पहले हत्या की गई और फिर जिस घर में वो किराए पर रहता था उसी के बेसमेंट में बड़ा गड्ढा करके लाश को दफन कर दिया गया। गड्ढे के ऊपर बाकायदा प्लास्टर भी किया गया था और दशहरे के दिन ये सब किया गया। 4 दिन से लापता पंकज की तलाश कर रही पुलिस के हाथ लगी तो सिर्फ लाश। उसी मकान के बेसमेंट से उस बच्चे का शव बरामद किया गया है और ये भी संज्ञान में आया है कि उसने उसकी हत्या करने के पश्चात उसके शव को उसी मकान के बेसमेंट में दबा दिया था। उसको निकलवा लिया गया है, डेड बॉडी निकलवा ली गई है, पंचायतनामा कराया जा रहा है, वीडियोग्राफी के साथ उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हम लोग उसकी पड़ताल कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग मकान मालिक को, चूँकि मकान मालिक सा परिवार भाग गया है, उसको शीघ्र ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पूरे घटना का हम लोग अनावरण करेंगे, मोटिव का अनावरण करेंगे। पंकज साहिबाबाद में गिरधर एनक्लेव के इस मकान में किराए पर रह रहा था और दशहरे से गायब था। पड़ोसियों और दोस्तों के काफी ढूंढने पर भी जब उन्हें पंकज की कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। रात को 11 बजे हम लोग गए थे वहाँ पे, हमें सट्टा के बॉडी इसी के घर में है क्योंकि बेसमेंट के अंदर 3 कमरे बने हुए हैं और तीनों का फर्श टूटा हुआ है, कच्चा है। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने उसमें लगभग 10 फुट का पाइप था वो हमने जमीन में गड्ढे में डाला तो उसमें से स्मेल आई निकल के। उसके बाद हमने फिर रात को पुलिस वालों को बोला, कब थाने में लेकर आए, पुलिस वालों को स्मेल सुनाई। उसके बाद में फिर वहाँ से पुलिस वाले फिर भी नहीं गए, फिर 100 नंबर पे कॉल की गई। 100 नंबर पे जाने के बाद सुबह वहाँ पे खुद आया 8 बजे, तो वहाँ पे 9:30 बजे 10 बजे के करीब बॉडी मिली उसके अंदर, जो कि पूरी गल चुकी थी। पैर में रस्सी बांध के निकाली तो बॉडी के जो खाल थी वो भी ऊपर आ गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कमरा खाली करने और साइबर कैफे में हिस्सेदारी को लेकर मकान मालिक से उसका विवाद चल रहा था और 15 दिन पहले ही पंकज ने अपने पिता को मकान खाली करने की बात भी बताई थी। मकान में रहने लगा, तत्पश्चात उसने मकान ये साइबर कैब के बारे में कुछ बातें सब करने लगे कि ये मुझे दे दीजिए, जिस पर मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि पापा हरिओम और प्लस उसके पत्नी होकर कि लगता है इन लोगों का वो नहीं है, मैं क्वार्टर खाली कर रहा हूँ। ठीक है, एक दिन मुझे बताया था कि पति पत्नी भी उसके बच्चे भी आए थे, मुझे दड़ा रहे थे, मुझे धमका रहे थे। मुझे यह बात जब उसने बताई थी तो मुझे ये डर हो गया था। 12 बजे जब वो दशहरे के बाद मेले के बाद नहीं मिला, मैंने अपने बच्चे से कहा कि जाओ देखो जरा उसके कमरे पर ही बात करो। बस इतनी सी कहानी है, उसके बाद कमरे पर जो हुआ है वो हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पंकज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्या का पहला शक मकान मालिक पर जा रहा है जिसका छात्र पंकज से विवाद चल रहा था और वो मौके से फरार भी है। लिहाजा पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और फरार मकान मालिक की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद से धीरज शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।